वाई इट हैज बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों आज हमें से बहुत सारे लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि मेडिटेशन चाहिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए क्योंकि हमें ये समझ में आ गया बाहर अनसर्टन अब ऐसे समय में सिर्फ एक ही चीज है जो सर्टन हो सकती है एंड वो है the way I will respond। अंदर से मैं क्यों अंदर हूँ अंदर से प्रेस कर रहा हूँ वेरी ब्यूटिफुल अब ये भी हमें आज के समय में मेजोरिटी लोग ये कहेंगे डोंट सप्रेस इन इनसाइड अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको बाहर निकाल दो आप उसको अंदर नहीं दबा के रखो क्योंकि अंदर दबाने से वो आपका कई गुना ज़्यादा नुकसान कर देगा बाहर निकल गया तो इट्स लाइक एज इफ इट्स आउट ऑफ योर सिस्टम और कई जगहों पर तो पंचिंग बैग्स बने हैं कि जाओ वहाँ पे और अपने गुस्से को निकालने के लिए जोर-जोर से उस पर मारो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा फोटो भी लगा लेते हैं जिसको मारना है किसको मारना है नाउ वी नीड टू थिंक ऑन दिस ठीक है आपने जो पिछली बार लाइन पढ़ी थी इट्स ऑल अबाउट बीइंग डूइंग एंड बिकमिंग जी बीइंग डूइंग एंड बिकमिंग सपोज मुझे गुस्सा आया अंदर आई वाज बीइंग एंगर दैट टाइम फर्स्ट इनसाइड आई हैवंट सेड एनीथिंग मैंने कुछ कहा नहीं कुछ किया नहीं सिर्फ अंदर जो हमने कहा कि अंदर गुस्सा आया अब वन इज दैट स्टेज के अंदर आया बाहर कुछ नहीं कहा दूसरी स्टेज बाहर निकाला जोर से बोल दिया सारा कुछ बाहर निकाल दिया चिल्ला भी दिया औरों के ऊपर जितनी वो एनर्जी बाहर आई उतना वो जो एंगर था मेरा वो और भी ज्यादा बढ़ा री एनफोर्स हुआ ना और पक्का हुआ जितनी वो एनर्जी बाहर कर्म में एक्शन में भी आ गई hmm. तो उतना वो संस्कार और भी स्ट्रोंग हो गया बिकॉज आई ट्रांसलेटेड इट फ्रॉम बीइंग टू डूइंग एंड वंस इट इज कमिंग इन टू डूइंग द बिकमिंग इज बिकमिंग स्ट्रोंगर सेकेंड स्टेज ये भी आएगी क्योंकि अंदर था तो अंदर तक रहा जैसे ही बाहर आया तो सामने वाला भी तो रिएक्ट करेगा ना फिर जब रिएक्ट करेगा तो फिर और, और रिएक्ट करेंगे यस yes, नेचुरली डबल हो जाएगा फिर मैं और रिएक्ट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गॉन इन द रिएक्टिव मोड के बोलना है फिर अगर आप कुछ कहेंगे आई डिफेंड माय सेल्फ कि नहीं मैं राइट दो तरफ से फंसे अंदर सप्रेस कर लो तो फिर कभी फट के निकलेगा या मैं बीमार होकर डिप्रेस हो जाऊंगा सप्रेस नहीं करो तो ये वाली मुश्किल है तो करें क्या जब बाहर आ जाती है बात और फिर सामने वाला भी रिएक्ट करता है फिर हम और करते हैं फिर सामने वाला करता है तो मेरे गुस्से का मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है मल्टीप्लाई होता हाँ, है, ना? और रिश्ते में भी टकराव ज्यादा आ जाता है दूरी आ जाती है लेट अस ट्राई अनदर वे क्योंकि जो संस्कार है वो एकदम से नहीं चला जाएगा मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है टुडे लेट्स टेक दिस एज टुडेज होमवर्क क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है और मैं आज डिसाइड करूँ कि आज सारा दिन में मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आएगा नॉट गोइंग टू हैपन एकदम से बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग संस्कार लेकिन क्या आज, कम 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 से कम मैं 10 तो कम कर सकता वो भी 20? नहीं करो हाँ. वो भी नहीं करो आज क्योंकि उसमें भी मुश्किल लग रहा है अवेयर वो भी नहीं करो फिर क्या आज सिर्फ एक चीज करो अंदर रहने दो बाहर नहीं लाओ गुस्से को एक सिर्फ करो और एक दिन, दिन के लिए सी द रिजल्ट ऑफ इट सपोज हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा या कोई भी किसी की बात ठीक नहीं लगी आज उसको बोलते नहीं है अंदर बुरा लगेगा गुस्सा आएगा क्योंकि वो मेरा एक हैबिट फिर वो सप्रेशन वाली बीमारी तो नहीं आ जाएगी क्या होगा यू हैव टू सी सपोज मेरे अंदर चार थॉट्स चले ठीक है क्यों किया ऐसा क्यों बोला ऐसा करना चाहिए चार थॉट्स चले वर्ड्स में आया सामने वाले ने भी रिएक्ट किया वो भी एनर्जी भेजी कई गुना मल्टीप्लाई हो गया mm. अभी अगर मैंने चार थॉट्स क्रिएट की mm. लेकिन बाहर नहीं लाई इट रिमेन्स एज फोर थॉट्स, विच में फोर हॉरबल थॉट्स, इट्स ओके बट इट रिमेन्स टिल देर तो नेगेटिव एनर्जी जितनी मैंने क्रिएट करनी थी रुकी 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 नहीं अंदर है 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 लेकिन चार पे रुक गई ना नहीं, आई। नहीं पर चार पे रुक गई ना चार पे रुकी ना मेरे फेस पे मेरे बोल में मेरे व्यवहार में फिर सामने का रिएक्शन फिर दस और चार पे, 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 चार पे रुकी इट्स बेसिकली लेक बुखार हुआ बेनोज कि मुझे आज से बुखार मतलब नहीं आया दो पे रुक गया बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं ना अब जो चीज बढ़ी नहीं उधर रुकी तो कम डैमेज होगा कम डैमेज होगा और धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम फिर कम होगा दिस इज फिर फिर रुकी तीन पे रुकी, फिर दो एवरी टाइम जब मैंने बीइंग को इस वाले बीइंग को जो नेगेटिव है डूइंग में नहीं लाया मैंने अपनी विल पावर को भी बढ़ाया कि एटलीस्ट इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई थॉट एटलीस्ट नाव आई हैव कंट्रोल ओवर माई वर्ड्स दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आज क्या हुआ है थॉट्स पर जब कंट्रोल हमारा कम होने लगा हमने ध्यान नहीं दिया इतना आज हमारा वर्ड्स पे भी कंट्रोल नहीं है हम बोल देते हैं उसके बाद कहते हैं नहीं बोलना चाहिए था खुद ही बोलते हैं दूसरा तो बोलेगा कि आपको लेकिन हमें खुद भी लगता है नहीं बोलना चाहिए था उस स्टेज पर भी हम नहीं अवेयर हुए आज हम में से कईयों का हाथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है हाथ में जो चीज आएगी उठा के ऐसे मार टीचर चौक फेंकेगी टीचर टस्टर फेंकेगी घर में माँ होगी ग्लास उठाएगी ऐसे फेंकेगी बेलन हाथ में होगा वो मतलब हाथ में जो चीज आएगी आई हैव सीन पीपल इन आगी पेपर वेट उठा के फेंक देंगे ऑफिस का पेपर है हाथ में सामने वाले पर ऐसे फेंक देंगे एंड दिस वेंट टू एन एक्सटेंट के रोड पर आप है आपकी गाड़ी की टक्कर दूसरे से लगी आपकी पॉकेट में रिवॉल्वर है आपने निकाल के मार दिया एक सेकंड के लिए किया ना एक सेकंड आउट ऑफ कंट्रोल अच्छे परिवार के लोग कोई निकले नहीं थे किसी को मारने के लिए निकले थे पिकनिक पे जाने के लिए निकले थे हॉलीडे पे जाने के लिए दैट फ्यू सेकंड्स आउट ऑफ कंट्रोल व्हाट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल फर्स्ट माइंड वर्ड्स नाउ इवन बॉडी देर वॉज दिस इन मुंबई इन द न्यूज एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही थी

लग गया उसको मारा हाथ में ऐसे था ना बिल्कुल बिकॉज स्प्लिट सेकेंड एंगर वेन यू गेट सो एंग्री आपके हाथ में, तो see, right anger, anger हाथ में जो होगा बस सी ऑब्वियसली नॉट डन इन द राइट सेंसेज इसलिए कहते हैं एंगर एंगर इज टेम्पररी इंसेनिटी यू गॉन आउट ऑफ कंट्रोल यू आर नॉट योर सेल्फ एक सेकेंड हाथ में जो चीज है वो ऐसे मारेंगे क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं था फिर शब्द कंट्रोल में नहीं थे फिर हाथ भी कंट्रोल में नहीं रहा नाउ दिस में होता लेकिन हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं hmm. कितने हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ पर हाथ उठाते हैं हसबेंड या वाइफ की बात कर रहे हैं hmm. रिमोट पे झगड़ा हुआ था hmm. टीवी पे मेरे हाथ में रिमोट दे तेरे हाथ में दे नहीं मुझे ये चैनल देखना है मेरे ये चैनल देखना है पति ने पत्नी को मार ही दिया उसमें ऐसे तो बहुत हो रहा है रोज हो रहा है कुछ ना कुछ क्यों पुछ? हो रहा है इंटेंशनली नहीं किया करना नहीं चाहते थे बाद में पछताते इवन एक हाथ उठ जाए किसी पर तो बाद में कितना पछताते हैं लेकिन उस सेकंड क्या हुआ उस सेकंड आउट ऑफ तो कंट्रोल बीइंग डूइंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सो वी नीड टू टेक केयर अगर हमसे एकदम से थॉट लेवल पर नहीं चेंज हो रहा कि इतने भाई-बहनें प्रोग्राम देखते हैं कहते एकदम से थोड़ी गुस्सा जाएगा बुरी लग रही है बात गुस्सा आ रहा है लेट्स स्टार्ट आउटसाइड जितना आउटसाइड पर रुक जाएगा एक डैमेज कम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसाइड होने की भी फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे कम हो जाएगी क्योंकि जितना बाहर ट्रांसलेट हो जाता है वो संस्कार और स्ट्रांग बनता है थॉट mm. लेवल पर इट्स लाइक like, वो डाइल्यूट हो जाएगा धीरे से mm. आपने सोचा पांच मिनट सोचा दस मिनट सोचा धीरे धीरे वो डायल्यूट हो जाएगा और क्योंकि आपने उसको बाहर नहीं निकाला आप अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे आप अपने अंदर अपने गुस्से को धीरे धीरे ठीक भी करेंगे अपने आप को समझाएंगे अपने आप से बात शुरुआत करेंगे तो हो ना, शुरुआत हो गई ना पहला कदम नाटली अंदर तो इसलिए बींग को डूइंग में नहीं लाना जो आपने कहा वो सप्रेस हो रहा है अंदर मन में कोई बात है इवन अगर यहाँ कहीं भी

फिर परसों का रह गया वो फिर मैंने चिट्ठी फाड़ के फेंक दी दिस इज इट वही आप बात कह रही है ना मुझे yes. देखो पुरानी बात कैसे है। इसीलिए क्यों आज दुनिया में पता क्या सिखाते हैं अच्छा काउंट वन टू टेन आपको गुस्साया है क्योंकि वन टू टेन टेन टू वन में काउंट करते करते अगर आपने उतनी देर में रिएक्ट नहीं किया वो कम हो जाएगा कहीं कहेंगे पानी का ग्लास पी लो लेकिन फिर हम कहेंगे उस टाइम याद थोड़ी आता है कि पानी का ग्लास पीना है या वन टू टेन काउंट करना यस इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी होती है अभी जो आपने इतनी सुंदर बात कही कि लेटर लिखा भेजा नहीं आज क्या हो रहा है हर एक के हाथ में मोबाइल है और कंप्यूटर है गुस्सा आया या बात बुरी लगी एस एम दिस इज अ स्टडी कि एस और इंस्टेंट ये ईमेलिंग इसके कारण रिश्ते ज्यादा टूट रहे हैं क्योंकि इमिजिएटली थॉट आया डूइंग में ले आए पॉज की जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है yes, so राइट right. अगर थोड़ा पॉज कर लेते वो बात ना बोलते और एक्चुअली प्रैक्टिकली ये हुआ मेरे साथ कि मैं किसी की वाइफ के साथ कुछ बात कर रहा था तो आधी बात में उसने हाथ नीचे कप करके अपने पति को उसका एस कर दिया बाद में उसके समझ में आये की मैं फर्स्ट हाफ में क्या बोला था और उसके बाद में बोलना क्या चाह रहा हूँ तब तक उसके पति का फोन भी आ गया कि आप आप उनके बारे में ऐसा कह रहे थे बीच में ही आ गया बीच तो में? हा, हा, करके मैंने उसको अवॉइड किया फिर मैं जब कंप्लीट किया बाद में वो पछताती होगी इंस्टेंट थॉट आया इंस्टेंट तो ये आपका आइडिया अच्छा है तो आज हम इसको एक ये बना ले अपना होमवर्क ये बाहर से कर कंट्रोल कोई भी बात हर्ट है वेट गुस्सा है वेट इरिटेटेड है वेट। चिंता है, वेट। वेट एट स्टेज इतना करते हैं क्योंकि एकदम से थॉट लेवल पर फिनिश नहीं होगा फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि स्टेज पर भी उसको कैसे चेंज करना है आज हम डूइंग स्टेज पर करते हैं आज आज एटलीस्ट मैं पूरे दिन में परिस्थितियाँ जितनी भी आएंगी यहाँ तक भी आएगी तो बोलूंगा नहीं हर परिस्थिति में देखते जाए

मेंबर ने मुझे कहा कि आपने जो डिश बनवाई थी सब्जी की मैंने मुझे। मुझे रिक्वेस्ट की आप भी नहीं खाते yes. अब आप देखिए सुंदर था ये। वो बाल के ऊपर चिल्ला भी सकता था चिड़ भी सकता था सबसे कह सकता था ये आज खाने में बाल है ये है वो है मतलब यू नो उसने उस वक्त रोक लिया आज बात खत्म बात बड़ी से छोटी हो जाएगी क्योंकि हम बड़े हो जाएंगे तो टुडे टू होमवर्क वन हर परिस्थिति में जस्ट अवेयरनेस आई एम चूजिंग हाउ द सिचुएशन अफेक्ट्स मी एंड हाउ आई रिएक्ट ये आई एम चूजिंग हर सारा दिन आज ये बार 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 अपने आप को अवेयरनेस एंड याद दिलाना ये मेरी चॉइस थी एंड दूसरा बीइंग इवन अगर गुस्सा आया आज डूइंग में नहीं